Hey guys, welcome back to my channel. It's been a long time since we haven't connecting to each other. So let's cut in short. I'm going to pierce my 29 piercing with a surprising tool. So let's start. Here I have a syringe needle. No need to piercing needle, no need to safety pin, no need to gun. If you wanna piercing at home, so you just need a syringe needle. मेडिकेटेड सिरिंज के अंदर जो मोटी वाली नीडल होती है वो वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम जो उसमें पतली वाली होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, वो यूज़ नहीं करेंगे, उससे हमारे स्टड्स अंदर नहीं जाएंगे। तो फ्रेश पियर्सिंग के अंदर आपकी स्किन थोड़ी स्वेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नीडल्स मोटी यूज़ करेंगे तो आपका स्टड्स बिल्कुल ईजिली अंदर जा सकेगा। इसके साथ ही हम अल्कोहल स्वैप्स ले लेंगे, जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं और पियर्सिंग से पहले क्लीनिंग के लिए यूज़ करेंगे, और उसी से आप नीडल को एक और बार दोबारा से क्लीन कर लीजिए, ताकि आपकी कोई भी जर्म्स हो, कुछ भी हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपने सबसे पहले अपने हाथों को वॉश करके सैनिटाइज कर लीजिए। मैं कर चुकी हूँ, सो अब वो प्रोसेस तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने स्टड लिया है वो प्योर स्टील है, तो प्योर स्टील भी आपको हार्म नहीं करता, लेकिन हम फ्रेश पियर्सिंग के अंदर एक दो दिन के लिए हम वही यूज़ करेंगे, क्योंकि आपका होल बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और स्किन भी स्वेल हो चुकी होती है, तो आप कोई भी स्क्रू वाला स्टड यूज़ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा पेन करेगा। और हम इसके लिए सिरिंज नीडल यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कनेक्टिंग वाला कोई सीन नहीं है कि हम नीडल से कनेक्ट करके स्टड डालेंगे। दैट्स वाई मैंने ये वाला स्टड लिया है, ताकि ये इजीली हो और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। ये एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी पियर्सिंग करी है वो पियर्सिंग नीडल से करी है, तो ये सिरिंज नीडल मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है ये वर्थ इट है, क्योंकि इसको देखकर पियर्सिंग नीडल्स भी बिल्कुल इसी तरह से होती हैं जिस तरह की ये सिरिंज नीडल है, बस वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी और उसमें होल ज़्यादा होता है, जो आप स्टड्स अंदर डाल सकते हैं आराम से। जब भी पियर्सिंग करें, ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि उसको मार्क ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका होल आगे पीछे ना हो जाए, और अपना हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा पियर्सिंग ऐसी होती है कि आगे से तो स्ट्रेट होती है लेकिन पीछे से ऊपर या नीचे हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है आपको। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है उसके ऊपर स्ट्रेटली नीडल रखेंगे और बिल्कुल अपने हाथ को स्ट्रेट रखेंगे। अगर आपने नीचे हाथ रखा या बहुत ज़्यादा ऊपर रखा तो आपका होल टेढ़ा हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल मार्क के सीध में ही रखना है बिल्कुल, और आप पीछे से चेक करते जाएं कि आपकी नीडल किस साइड से निकल रही है, स्ट्रेट निकल रही है या ऊपर निकल रही है या नीचे। ऊपर और नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके लिए आप बैक मिरर भी यूज़ कर सकते हैं बैक व्यू के लिए। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से सुई को अंदर डालें। ये नहीं कि आप एकदम से डालेंगे तो वो जाहिर सी बात है पेन तो बहुत ज़्यादा होगा। एक तो सबसे पहले अपना हाथ है, ऊपर से फिर अपना ही कान है, तो एक से दो मिनट तक आप उस नीडल को कान के अंदर ही रहने दें, उसको बिल्कुल एकदम से ना निकालें, क्योंकि आपकी स्किन को थोड़ा स्टेबल होने में टाइम लगता है। एक दो मिनट के लिए जो नीडल अंदर डालेंगे उसको राउंड राउंड मूव करें, आगे पीछे मूव करें, उसको स्टिल मत छोड़ें, क्योंकि उससे ये होगा कि एकदम से जाकर नीडल फ्रीज हो जाएगी अगर आप उसको एकदम से छोड़ देंगे तो इससे आपको फिर पेन होगा निकालने में। तो आप उसको मूव करते रहें ताकि आपका होल बनता जाए। दो से तीन मिनट के अंदर बिल्कुल भी आप कोई स्टड नहीं डालें और ना ही नीडल को वापस बाहर निकालें, उसको उसी तरह से रहने दें और उसको बस मूव करते जाएं। उसके बाद आप जब दो से तीन मिनट बाद निकालेंगे नीडल को, तो फिर आप फौरन ही स्टड डालें, और स्टड के ऊपर कोई भी ऑइंटमेंट हो किसी तरह का भी, जो भी पेन फ्री हो वो आप लगाएं और उसको फिर डाल दें। इससे ये होगा स्टड स्टिक ऑयली हो जाएगी तो वो स्ट्रेटली अंदर चला जाएगा आपके। मैं कोई डरने की बात नहीं है, अगर आपको इस तरह से कोई ज़्यादा टेंशन फील हो रही है तो अपने पास कोई भी जूस बना कर रख लें या पानी रखें ठंडा, बार बार पीते जाएं, कोई इतना इशू नहीं होता। मुझे भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये सिरिंज नीडल है और पियर्सिंग नीडल में भी आगे बहुत ज़्यादा शार्प एंड होता है, तो वो स्ट्रेटली आपके बिल्कुल आराम से निकल जाती है, लेकिन बस आपको जब स्किन पर टच होती है और एंडिंग के अंदर बस ज़्यादा पेन होता है, बीच में इतना नहीं होता। इन द एंड ऑफ पियर्सिंग स्टड्स पहनने के बाद एक और दफ़ा क्लीन कर लीजिए। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि पियर्सिंग करते हुए दिखाएं लाइव,
तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मुझे कोई पियर्सिंग की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।